एनजीटी ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पक्के अवैध निर्माणों को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। एनजीटी ने इन्हें अतिक्रमणों के दायरे में रखते हुए विकास प्राधिकरण, वन विभाग और जिला प्रशासन को मकानों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हुए हैं, जिनके अनुपालन में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के स्थित नगला सपेरा में जेसीबी से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और मकानों को ध्वस्त किया गया। पूर्व में अभियान के दौरान हुए पथराव को देखते हुए आरपीएफ सहित अन्य पुलिस बल भारी मात्रा में मौजूद रहा। कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए विकास प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार ने बताया कि खाली कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आज ये 18 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमारे द्वारा आज की जाएगी। सर आज की जाने आगे जैसे कार्रवाई तो आगे भी चलनी सर, लगभग कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? निश्चित रूप से देखिए अभी सर्वे का काम भी चल रहा है, जैसा आप भी देख रहे हैं कि लगातार राजस्व विभाग, प्राधिकरण और वन विभाग की टीमें सर्वे कर रही हैं, क्योंकि जगह जगह तरह तरह की ज़मीनें हैं, कुछ राजस्व विभाग की हैं, कुछ अनऑथराइज्ड निर्माण हैं, कुछ वन विभाग के हैं, तो वो भी चिन्हांकन की कार्रवाई है। यद्यपि इसके अलावा भी 2 कॉलोनीज़ के लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हैं, उनमें वाद विचाराधीन है, उनके खिलाफ भी शीघ्र ही कार्रवाई जो भी उसमें निर्णय होगा साक्ष्यों के बाद उसमें भी निर्णय करने जा रही है। वहीं SDM गोवर्धन MP सिंह ने बताया कि कार्यवाही न्यायालय के आदेश पर चल रही है। कितने मकानों ये चिन्हित किए गए हैं और कहां कहां इसकी कार्रवाई की जानी है? ये राधाकुंड देहात रेवेन्यू विलेज है और जहाँ संत नगर कॉलोनी अवैध रूप से बच्चू सिंह राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति, ये पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने निर्दोष व्यक्तियों को यहाँ बैनामा करके कर दिए थे। इनके नक्शे नहीं पास थे, नगर विकास नियोजन विभाग की तरफ से, विकास प्राधिकरण की तरफ से इसमें इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण डिमोलिशन ऑर्डर हुआ है और ये सब अवैध कॉलोनी घोषित हो चुकी हैं। और जितने भी अवैध कॉलोनी 18 मकान इसमें सम्मिलित हैं, 18 मकानों के विरुद्ध आज हम लोग डिमोलिशन कर रहे हैं। हमारे साथ पूरी पुलिस फोर्स और सभी मौजूद हैं, RAF की टुकड़ी भी है। किसी के साथ आज कोई उपद्रव होगा तो इनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर धनघाटी मंदिर प्रमुख मंदिर है यहाँ का, जो सामने अतिमर लोगों ने कर रखा है, अवैध दुकानें बना रखी उन्होंने, तो उन पर सर कार्रवाई कोई? ये हमारे न्यायालय में SDM गोवर्धन के न्यायालय में 19 मुकदमे कुल PP एक्ट के तहत दाखिल किए गए, जिसमें से 8 PP एक्ट के मुकदमे टाउन एरिया के माध्यम से दाखिल किया गया, शेष मुकदमे वन विभाग के माध्यम से दाखिल किए गए। उनके विरुद्ध धारा 4, 5, 6, 7 PP एक्ट के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई है। वहीं CEO गोवर्धन आलोक दुबे ने बताया कि शांति के तौर पर भारी पुलिस बल मौजूद है और पूर्व की घटना के नामजदों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसमें कार्यवाही के संदर्भ में मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ है। बाकी जो आज की कार्यवाही है, इसमें फिलहाल अभी तक ऐसे कोई एक नाम प्रकाश में आया हुआ है, उसमें अगर हमें कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसमें हम कार्यवाही करेंगे। बाकी मैम अगर चला जाएगा, अगर ठीक है, आप यहाँ अभी आपके चार्ज संभाला है आपने, कि जितने भी बताते हैं 30 लोग नामजद हैं, बाकी 20 लोग अज्ञात हैं, अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं किया गया है, तो ये कब तक माना जाएगा कि मेरे जो आरोपी हैं उसमें गिरफ्तारी की जाएगी? जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी कराई जाएगी।